हेलो इंडिया, मुक्ताली गुलेन रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। नए नए रेसिपीज को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिएगा। साथ में आता है ऑल का नोटिफिकेशन, उसे भी ऑन करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने सफ़ेद लोबिया, जिसे आप चौली के नाम से भी जानते हैं और इसे छत्तीसगढ़ में बरबट्टी बीजा या फिर झुरगा बीजा के नाम से जाना जाता है। इसे मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। उसके बाद इसे कुकर में डाल दिया। अब इसमें डाल दिया 1/2 छोटा चम्मच नमक और 2 गिलास पानी। पानी का हिसाब रखने के लिए पानी इतना होना चाहिए कि लोबिया से करीब 1 इंच ऊपर होना चाहिए। और ये जो लोबिया है ना, 2 कलर में आती है, एक लाल कलर में आती है, एक सफ़ेद कलर में आती है। कुकर का ढक्कन लगाकर इसे 7 से 8 सीटी देना है। अगर 7 से 8 सीटी के बीच में अगर लोबिया नहीं पकती है तो आप 2-3 सीटी और लगा सकते हैं। उसके बाद गैस बंद करिएगा और जब कुकर पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद आप लोबिया को निकाल लीजिए और उसका पानी अलग कर लीजिए और लोबिया को एक प्लेट में रख लीजिए। तो देख सकते हैं लोबिया बहुत अच्छे से पक चुकी है। यहाँ पर लिया है मैंने सफ़ेद बैंगन और इसे एक बार अच्छे से धो लिया है और अभी इसे गोल गोल पीस में काट लिया है। इसके जो पीसेस है ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो जो सभी बैंगन है उसे काट कर एक भगोने में रख लिया है और इसे एक बार और पानी से अच्छे से धो लिया है। और अब इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसे एक बार अच्छे से मिला देंगे। तो ये जो बैंगन है अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। यहाँ पर लिया है मैंने 3 बड़े टमाटर, उसे पतले टुकड़ों में काट लिया है और 2 मीडियम साइज के प्याज को लंबाई में काट लिया है और 2 हरी मिर्च को चीरा लगा लिया है। एक कढ़ाई में 1.5 बड़ा चम्मच तेल लेंगे और जब तेल गर्म हो जाएगा तो बैंगन को इसमें डाल देंगे। बैंगन को 5 मिनट तक चलाते हुए पकाना है। इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने जो जो सामग्री का इस्तेमाल किया है उसकी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। साथ ही इसे बनाने का तरीका भी स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। आपको जो भी स्टेप समझ में नहीं आता आप उसे पढ़ सकते हैं। 5 मिनट के बाद जब बैंगन पक जाएंगे तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब बचे हुए तेल में डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा ब्राउन हो जाने के बाद इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और प्याज को। प्याज को 1 मिनट तक भूनेंगे और उसके बाद बीच में थोड़ा सा जगह बनाएंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इसको चम्मच से चलाते हुए प्याज के साथ में भूनना है जब तक कि अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन नहीं निकल जाता। अब थोड़ा सा प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं तो इसमें डाल देंगे लोबिया को। अब प्याज और लोबिया को भी भूनना है। 1 मिनट लोबिया को प्याज के साथ भून लिया है और अब इसमें डालेंगे हम 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब मसाले को एक बार अच्छे से मिला देना है। मसाले को 1-2 सेकंड भूनने के बाद इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर को। अब टमाटर डालने के बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर और साथ में डाल देंगे नमक, जिससे कि जो टमाटर है जल्दी पकना शुरू हो जाएगा। 5 मिनट टमाटर को भूनने के बाद इसमें डाल देंगे 1/2 कटोरी पानी, जिससे जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएंगे और ये तेल छोड़ देगा। तो जो 1/2 कटोरी पानी इसमें डाला था हमने उसे पूरी तरीके से सुखा देना है और आप देख सकते हैं साइड में ये तेल निकलना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब है कि मसाला अच्छे से पक चुका है और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे जो हमने बैंगन फ्राई करके रखा था उसे। अब बैंगन को डाल के इसको 5 मिनट और भूनना है। उसके बाद डाल देंगे इसमें गरम मसाला पाउडर
यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। अब इसे भी अच्छे से भून लेंगे, सिर्फ 5 मिनट ही भूनना है, उससे ज़्यादा नहीं। और अब गैस बंद कर देना है और ऊपर से डाल देना धनिया पत्ती और इसे ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि धनिया पत्ती की खुशबू इसमें अच्छे से आ जाएगी। ये टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे रोटी, चावल, पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों। आप इसको लोबिया के साथ बैंगन को बनाकर देखिए, बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनी है, खाने में बहुत टेस्ट लगती है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नए नए तरीके की रेसिपीज जानना चाहते हैं तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगी इसी प्रकार की और भी बड़ी बड़ी रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।